हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट लेग्जेटिव पढ़ाने वाला हूं। लेग्जेटिव कैटेगरी के अंदर जितने भी ड्रग्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सारे ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेरेप्टिक यूज को बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप लिखेंगे जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएगा, वो भी साथ साथ बताते चलूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि चैप्टर 5 यानी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को कैसे सारे ड्रग्स को याद करें, और वो तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने उस वीडियो पर भर भर के कमेंट किए कि सर जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। तो मैं बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट इस चैप्टर का शुभारंभ कर रहा हूं। आप लोग भी इसी एनर्जी लेवल के साथ लास्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेग्जेटिव। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए जो हमारा चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आज का टारगेट है लेग्जेटिव, जिसके अंतर्गत सिलेबस में आपका 4 ड्रग्स है। क्या क्या? एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगुला और सेना। सबसे पहला काम आपका यही है कि इन चारों ड्रग्स का एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख लेंगे। लेग्जेटिव कौन कौन सा है? एलॉय, मेरे साथ बोलिए, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगुला और सेना, कभी मत भूलिएगा। चारों ड्रग्स का आपको क्या क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्टिक यूज। समझ रहे हैं कैसे याद होगा इन सारी चीजों को? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप कहीं पर फ्री होकर बैठते हैं, सबसे अच्छा तरीका है अगर बाथरूम में बैठते हैं, कमोड पर बैठते हैं, वहां सामने में वॉल होता है, सारे ड्रग्स का चार्ट बना करके वहां पर चिपका दीजिए। डेली सुबह सुबह 10 मिनट बैठिएगा, माइंड फ्रेश, जैसे दो चार वो ड्रग्स नजर के सामने आएगा, काम पार हो जाएगा। मेरा यही तरीका है, मेरा सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। जो चीजें याद नहीं होती है मैं अपने कमोड के आगे चिपका देता हूं और रोज रोज देखता हूं। 10 मिनट तो सुबह बैठना है ना भाई, तो देखता हूं तो याद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी याद कर लेंगे और इसको याद करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के याद करिए चाहे रो के याद करिए। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आप रटने बैठेंगे कि एक दिन में सारे ड्रग्स को रट जाए तो नहीं संभव है, धीरे 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 याद होगा। समझ रहे ना? तो अभी सबसे पहले हम लोग एलॉय से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेग्जेटिव पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप सभी लोगों को बता दे कि जैसे आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग यदि पूरे सिलेबस को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर से जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल करके नेम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करिए और वहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं लग रहा है भाई, 1500-1499 का प्राइस है। आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। डेली मैं क्लासेस लेता हूँ 8:30 से 9:30 और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? जैसा कि आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, ठीक है? चलिए, तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि लेग्जेटिव क्या होता है। तो कल भी हमने बताया था कि लेग्जेटिव उस कैटेगरी का मेडिसिन है, उस कैटेगरी का ड्रग है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। देखिएगा, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट किया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, कि इन पॉइंट्स को ज्यादातर याद रखना है। दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन आप सभी लोगों को पता होगा, कब्जियत, कब्जियत की समस्या, समझ रहे ना? जब आप कुथ रहे हैं, आपका पैखाना निकल ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो जब लेग्जेटिव आप कंज्यूम करेंगे तो आपका अलग अलग प्रकार के लेग्जेटिव होते हैं। क्या कह रहा है? देयर आर वेराइटी ऑफ लेग्जेटिव फाउंड इन मार्केट सच एज स्टिमुलेंट, कुछ ऐसे भी लेग्जेटिव है जो कि स्टिमुलेटर का काम करता है, कुछ सेलाइन लेग्जेटिव है, कुछ बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव है, कुछ स्टूल सॉफ्टनर है, तो कुछ लुब्रिकेंट्स है, यानी कि कुछ क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है जिससे स्टूल आसानी से निकल जाता है, कुछ है जो कि लुब्रिकेट कर देता है जिससे कि आसानी से निकल जाता है। मैंने सबका काम, हर प्रकार के लेग्जेटिव का काम ही यही है कि आपका जो मतलब मल पदार्थ है, लसका हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, उसको आसानी से बाहर निकाल देना। सिंपल भाषा में समझे, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाना। और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है भैया? हेमरॉइड्स, बवासीर में भी काफी हेल्पफुल होता है, एंड ऑल्सो टू बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ बाउल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई काम करना है जो कि बाउल इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, तो उस समय भी आप लेग्जेटिव का यूज कर सकते हैं। तो लेग्जेटिव किस कैटेगरी का मेडिकेशन है जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। हम लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है भैया? सबसे पहला ड्रग है एलॉय, एलोवेरा, इसी को कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एलोवेरा और इट बिलोंग्स टू जीनस एलॉय। इसका जीनस कौन सा है? एलॉय है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ड्रग है भैया, एलोवेरा यदि नाम है तो पहला नाम क्या होता है? जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, ध्यान रखिएगा।
तो ये एलॉय क्या कहते हैं, ये एलॉय ऐसे इसका क्या है, साइंटिफिक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है एलोवेरा, है ना। तो आपका ये कौन सा जीनस से बिलोंग करता है, एलॉय से, और इसका अलग अलग बहुत प्रकार के मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो कि आपको बायोलॉजिकल सोर्स, जो कि मैंने बताया था हर ड्रग्स का तीन चीज, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्टिक यूज, और बायोलॉजिकल सोर्स एकदम टू कॉपी इसी प्रकार से लिखना है आपको, एकदम रटना पड़ेगा किसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो एलॉय इज ऑब्टेंड फ्रॉम ड्राइड जूस ऑफ द लीफ ऑफ किसका, एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी एंड एलॉय फेरॉक्स। नहीं समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलॉय है ये हम लोगों को किस प्लांट से प्राप्त होता है, तो एलॉय जो है ना ये अलग अलग स्पीसीज का प्लांट होता है, तीन स्पीसीज मेनली है, एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी और एलॉय फेरॉक्स। इस तीनों के लीफ के, देखिए ड्राइड जूस ऑफ द लीफ, लीफ का ड्राइड जूस से हमें प्राप्त होता है एलॉय, ठीक है। तो क्या बोलना है, याद रखिएगा एलॉय इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड जूस, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ड्राइड जूस, एलॉय क्या है, ड्राइड जूस है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि एलॉय का क्या यूज करते हैं, तो जूस यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्राइड जूस ऑफ द लीफ ऑफ किसका, तीन स्पीसीज है, एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी एंड एलॉय फेरॉक्स। और फैमिली तो भूलिएगा ही नहीं, हर एक ड्रग्स का फैमिली याद रखिएगा, सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है एलॉय किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लिलिएसी, है ना, तो एलॉय बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं जो आपका इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो इसमें जो मेन है वो एलोइन है, क्या है, अरे भाई एलॉय, एलॉय का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एलोइन है, एकदम आसान में बता रहा हूं। देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में एलॉय के बारे में लिखने आ गया, तो कोगोनोसी में अगर किसी ड्रग्स के बारे में आपको लिखने आ गया, तो ऐसा नहीं कि पेज भरना है, वहां पर एग्जैक्ट चीजें लिखकर आइए, काम बन जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए इतना, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में तीन से चार पॉइंट लिखिए, ज्यादा नहीं, तीन से चार पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा, दे आर मेड अप ऑफ एलोइन, ये किसका बना होता है बच्चा, एलोइन का बना होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका किसका, बार्बेलोइन का, मेरे साथ बोलिए बार्बेलोइन का, बीटा बार्बेलोइन का एंड आइसो बार्बेलोइन का। कहने का मतलब हुआ कि जो एलॉय है ये बना हुआ है मेनली एलोइन का, और एलोइन भी बना हुआ है किसका, तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन एंड आइसो बार्बेलोइन, और दे आर ग्लाइकोसिडिक इन नेचर, याद रखिएगा ये क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है, क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है। और ये जो बार्बेलोइन है ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है, नेचर में क्रिस्टलाइन होता है, और बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में तीखा होता है, ठीक है। और बीटा बार्बेलोइन इज ऑब्टेंड बाय हीटिंग बार्बेलोइन, जो बीटा बार्बेलोइन हम लोगों को प्राप्त होता है, जब बार्बेलोइन को हीट करेंगे हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, बीटा बार्बेलोइन। और आइसो बार्बेलोइन इज द मिक्सचर ऑफ बार्बेलोइन एंड पॉलीफिनॉल्स, यानी कि बार्बेलोइन और पॉलीफिनॉल मिल जाता है तो आइसो बार्बेलोइन का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, सबसे मेन लाइन आपको यही याद रखना है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये बना किसका होता है, एलोइन का, और इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन एंड आइसो बार्बेलोइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके थेरापिटिक एक्टिविटी का, यानी कि ये किस चीज को ठीक करने का काम करता है। तो भैया लेक्सेटिव के अंतर्गत है, तो लेक्सेटिव तो इसका बिहेवियर होगा ही। एलॉय इज यूज्ड एज परगेटिव, अब ये परगेटिव क्या होता है, लेक्सेटिव क्या होता है, कैथार्टिक क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए मेजर डिफरेंस क्या है, काम सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है एलॉय, लेक्सेटिव और परगेटिव में। देखिए दोनों का काम क्या है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाना, ये सिमिलरिटी है, डिफरेंस यही है कि लेक्सेटिव का पावर थोड़ा कम होता है, ये माइल्ड होता है, है ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, समझ सकते हैं ना, कि जब ज्यादा कोई भी लेक्सेटिव को ज्यादा डोज में दे देंगे तो वो परगेटिव जैसा काम करने लगता है। जैसे कि अंतर ये है कि लेक्सेटिव में आपका मल पदार्थ को ढीला तो करेगा, लेकिन फिर भी वो एक शेप में रहेगा, है ना, जैसे कि शेप में मान लीजिए इस प्रकार से जिलेबी बनता है ना, शेप में बन के निकलेगा, लेकिन परगेटिव में आपका वाटरी स्टूल आएगा, छर देके पानी एकदम गरज के साथ छींटे बजेंगे, छर्र, समझ रहे ना, तो पानी जैसा हो जाएगा। तो परगेटिव के केस में क्या होता है ना कि दोनों कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराएगा, लेकिन जो लेक्सेटिव होता है वो कम थोड़ा पावर का होता है, तो वो आपका जो स्टूल का शेप है वो मेंटेन करके रखेगा, और जो परगेटिव है वो वाटरी स्टूल कर देता है, और कैथार्टिक्स उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो परगेटिव और कैथार्टिक लगभग एक ही चीज है, ठीक है, समझ गए, लेक्सेटिव और परगेटिव में यही डिफरेंस है। तो ये परगेटिव के जैसा काम करता है, ठीक है, समझ गए। फिर कैन बी यूज्ड टू स्मूथ आउट द स्किन इरिटेशन, स्किन के इरिटेशन, मान लीजिए आपके स्किन में इरिटेशन वगैरह हो रहा है, एलोवेरा को लोग देहात में घसते रहता है ना, तो स्किन इरिटेशन में भी यूज करते हैं। हेल्प्स इन ट्रीटिंग बर्न, अगर कहीं जल वल गया है उसमें भी हेल्पफुल होता है, और इसके कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के तरह से भी यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड एज लोशन, लोशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, जेल टू अप्लाई ऑन द स्किन, स्किन पर जेल वगैरह लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इट हैज मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट,
इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी होता है स्किन। देखिए फेस वॉश वगैरह एलोवेरा का फेस वॉश एलोवेरा जेल लगा लगा के आदमी स्किन को मॉइस्चराइज करता है ना, तो एलोवेरा का मेनली इतना लिखेंगे काम हो जाएगा। तो अगर एलोवेरा के बारे में है, ध्यान से सुनिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एलॉय, एलॉय का एक और ना, एलॉय को कॉमनली क्या कहते हैं, एलोवेरा कहते हैं। किस बिलोंग से, जीनस से बिलोंग करता है, एलॉय जीनस से बिलोंग करता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो एलॉय इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ द लीफ ऑफ, ध्यान रखिएगा, एलॉय किससे होता है, ड्राइड जूस से। किसके लीफ से, तीन प्रकार के स्पीसीज हैं, एलॉय बार्बिडेंसिस बोलिए, एलॉय पेरी और एलॉय फेरॉक्स। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसका मेन क्या है, एलोइन है, जो कि एलोइन भी किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो तीन चीज के कॉम्बिनेशन से बना है, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन और आइसो बार्बेलोइन। अब बार्बेलोइन क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है और स्वाद में थोड़ा तीखा होता है। बीटा बार्बेलोइन बार्बेलोइन को हीट करने पर प्राप्त होता है और आइसो बार्बेलोइन मिक्सचर है बार्बेलोइन और पॉलीफिनॉल्स का, इतना लिख दीजिएगा। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी में क्या चीज बन जाता है, परगेटिव की तरह काम करता है ना, और परगेटिव और लेक्जेटिव में मैंने आपको बता दिया कि लेक्जेटिव भी काम है वही कंस्टिपेशन को रिलीव करना, परगेटिव का भी काम है, लेकिन परगेटिव थोड़ा पतला पैखाना करा देता है, ठीक है, तो वाटरी स्टूल कर देता है। कैन बी यूज सूद आउट द स्किन इरिटेशन, स्किन को राहत देने में हेल्पफुल होता है, बर्न को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, और अगर बात कर लेंगे लोशन और जेल के तरफ से भी स्किन पर अप्लाई होते हैं और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट काम करते हैं। बस इतना ही तो है, बस इतना ही, इसी तरीके से सारे ड्रग्स के बारे में ध्यान रखना है। इससे आसान भाषा मैं नहीं कर सकता भैया, इतना आसान कर दिया हूं, अब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पेन में और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैस्टर ऑयल, इसी को हम लोग रिसिनस ऑयल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, रिसिनस ऑयल। इट इज ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है, एक वेजिटेबल ऑयल है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल, ये एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है, ध्यान रखिएगा, ऑयल दो प्रकार का, एक वोलेटाइल ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल। वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में क्या अंतर होता है, जैसे कि अगर वोलेटाइल ऑयल होगा, वोलेटाइल होगा यानी कि वो वेपर में बदल जाएगा, जैसे अगर कोई पेपर है मान लीजिए, सिंपल पहचानना है, तो उस ऑयल को इसके ऊपर डाल के देखिए, अगर वो पेपर पर दाग छोड़ दे रहा है, दाग रह जा रहा है, यानी कि वो फिक्स्ड ऑयल है। अगर वो पेपर पे वो दाग उस ऑयल को डालें और वो दाग नहीं छोड़ा, धूप में रखने के बाद वो उड़ गया है ना, उड़ गया, तो यानी वो वोलेटाइल ऑयल है, तो वोलेटाइल ऑयल वेपराइज हो जाता है, ठीक है, जबकि फिक्स्ड ऑयल नहीं होता है। तो ये जो कैस्टर ऑयल है ये आपका क्या है, फिक्स्ड ऑयल है। जैसे कि क्लोव का जो ऑयल होता है, लौंग का तेल, वो वोलेटाइल ऑयल होता है, उसमें वोलेटाइल ऑयल का मात्रा ज्यादा होता है ना, तो ये फिक्स्ड ऑयल है, ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस। रिसिनस कॉम्युनिस नाम का प्लांट होता है, उसके सीड का जब हम लोग कोल्ड एक्सप्रेशन करते हैं तो हम लोगों को ये प्राप्त हो जाता है कैस्टर ऑयल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि बताइए कैस्टर ऑयल रिसिनस कॉम्युनिस के किस पार्ट से हमें प्राप्त होता है, तो सीड से। जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, आप लोग बचपन में, हम लोग अंडी अंडी कहते थे, अरंडी का तेल इसको कहा भी जाता है, गांव घर में हम लोग खेलते भी थे, अगर आप लोग पहचान रहे होंगे, काटा काटा जैसा होता था, उसके अंदर ऐसा ऐसा बिच्चा होता था, उसी का तेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके सीड का ही तो यूज करते थे, कैस्टर ऑयल कुछ और नहीं है, वही अरंडी का तेल है, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से गांव घर में जानते होंगे, है ना। तो ये रिसिनस कॉम्युनिस के सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से हमें प्राप्त होता है। और फैमिली क्या है, यू फॉर बी एस सी। फैमिली क्या है बच्चा, यू फॉर बी एस सी, मेरे साथ बोलिए यू फॉर बी एस सी। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसिनोलिक एसिड तकरीबन 80% पाया जाता है ना, रिसिनोलिक एसिड जो कि रिसिनोलिक एसिड का ट्राइग्लिसराइड्स है उसको इसमें पाया जाता है 80%, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल ड्यू टू रिसिनोलिक एसिड, जो कैस्टर ऑयल होता है ना बहुत चिपचिप होता है, बहुत चिपचिप होता है, तो उसी को विस्कोसिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, तो किसके कारण, क्योंकि उसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट है। और अदर ग्लिसराइड्स, जैसे कि और भी कुछ ग्लिसराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं कैस्टर ऑयल, और जैसे कि आइसो रिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड आइसो स्टीरिक एसिड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपका हो गया। और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी की अगर बात कर लेंगे तो इट इज यूज्ड एज कैथार्टिक, ये कैथार्टिक के यूज तरफ पे इसे यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लेगेटिव बोले, परगेटिव बोले, कैथार्टिक बोले, आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन से ही रिलीफ दिलाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा क्षमता का होता है, ये क्या करता है, डिफिकेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी डिफिकेशन वो प्रोसेस है, मल त्यागने की प्रक्रिया को ही डिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो मल त्यागने की इच्छा को प्रकट करने का काम कैथार्टिक करता है, तो एक तरीके से ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराएगा, और इसका भी क्षमता लेक्जेटिव से ज्यादा होता है, ठीक है। परगेटिव और कैथार्टिक लगभग एक चीज है, ठीक है।
इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट यानी कि फिसलने वाला तरीके से यूज है। अरे भाई तेल है, तेल लगा करके फिसलाने वाला काम करते हैं ना, लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ग्रीस, ग्रीस के जैसा काम कर सकता है, पॉलिश के जैसा, प्रिंटिंग इंक बनता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के फॉर्म में मिल सकता है या फिर पेस्ट के फॉर्म में मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा कैस्टर ऑयल हो गया। चलिए फटाफट से कैस्टर ऑयल को रिवाइज कीजिए। कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये एक प्रकार का वेजिटेबल ऑयल है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इट इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस। कहने का मतलब हुआ कि रिसिनस कॉम्युनिस प्लांट के सीड के जब कोल्ड एक्सप्रेशन करते हैं तो हम लोगों को कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है। और इसकी फैमिली है यूफॉर्बियेसी। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि तकरीबन 80% होता है। और जो ये आपका कैस्टर ऑयल का विस्कस है, विस्कोसिटी है, वो रिसिनोलिक एसिड के कारण ही होता है। और अदर ग्लिसराइड्स के तौर पर इसमें आइसोस्टीरिक एसिड या फिर लिनोलिक एसिड और स्टीरिक एसिड या फिर आइसोलियोनिलिक एसिड के तौर पर इसमें पाए जाते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। और इसके पर थेरेपेटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये कैथार्टिक की तरह काम करता है, यानी कि डिफिकेशन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ग्रीस, पॉलिश, प्रिंटिंग इंक बनाने में काम आता है। और ये कैप्सूल या पेस्ट के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। और यदि आपको और भी कोई डाउट वगैरह हो, आपको मेरे से डायरेक्टली पूछना हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू, मिथिलेश कुमार 3620 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाकर के मेरे साथ वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे साथ कम से कम 5000 से ज्यादा बच्चे अभी फिलहाल कनेक्ट हो चुके हैं, अपने डाउट्स को पूछते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं इसे थोड़ा सेकेंडरी मानता हूं। जब मैं अपनी पढ़ाई से फ्री होता हूं तो आप लोगों के चैट्स देखता हूं, जो भी डाउट वगैरह है, अपडेट्स वगैरह, फार्मा रिलेटेड अपडेट मैं वहां देता हूं, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज फॉलो करें ना करें, कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं और ड्रग्स के चार्ट वगैरह जो आपको होता है ना, वो चार्ट मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहां पर जाकर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसबगुला को, किसको, इसबगुला को, क्या इसबगुला। तो अब इसबगुला आपका क्या है, ये भी एक प्रकार का लेग्जेटिव है। इसबगोल का भूसी आप लोग सुनते होंगे, है ना, हस्क ऑफ इसबगोल, है ना, उसका यूज करते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांटागो ओवाटा, यानी कि प्लांटागो ओवाटा नाम का प्लांट है, उसके सूखे हुए बीज से हम लोगों को मिलता है। देखिए सूखे हुए बीज के हस्क से, उसका सीड कोट जो होता है ना, उससे ही हम लोगों को ये प्राप्त होता है इसबगोल, है ना, जो कि हम लोगों के काम का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स, सूखा हुआ सीड होता है प्लांटागो ओवाटा का। फैमिली है प्लांटागिनेसी। देखिए इसबगुला का प्लांट ऐसा होता है, उसका हस्क किस प्रकार का होता है, है ना। और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें लगभग 10% म्यूसिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस ऑफ द सीड, सीड का जो ऊपर वाला कवरिंग है जिसको टेस्टा कहते हैं ना, सीड के ऊपर कवरिंग को, उसमें 10% म्यूसिलेज पाया जाता है। और केमिकली इसमें क्या क्या है, पेंटोजन्स और एल्डोबायनिक एसिड है। क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि बताइए इसी इसबगुला का कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑप्शन में एल्डोबायनिक एसिड था, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ध्यान रखिएगा म्यूसिलेज, एल्डोबायनिक एसिड और पेंटोजन्स, ये तीनों चीज याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है। अब ये पेंटोजन्स हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या देता है, एल्डोबायनिक एसिड क्या देता है वो लिख दीजिएगा। पेंटोजन्स हाइड्रोलाइसिस मतलब वो उसका वाटर से रिएक्शन होने पर क्या देता है, तो पेंटोजन जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो जाइलोज और एराबिनोज बनाता है। क्या बनाता है, जाइलोज और एराबिनोज। और एल्डोबायोनिक एसिड जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो गैलेक्ट्रोनिक एसिड तथा रेमिनोज बनाता है, गैलेक्ट्रोनिक एसिड और रेमिनोज बनाता है, ठीक है। तो यह था आपका इसबगुला का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर इसके थेरेप्टिक यूजेस की बात करेंगे तो दे आर यूज्ड एंड एक्सीलेंट डिमल्सेंट एंड बल्क लेग्जेटिव, ये भी लेग्जेटिव की तरह काम कर रहा है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अक्सर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और डिमल्सेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुंह में आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होता है ना, उसको सॉफ्ट वगैरह करने का काम करता है डिमल्सेंट के तौर पर। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डिसेंट्री, किसी को डिसेंट्री है यानी कि डायरिया के साथ साथ ब्लड म्यूकस भी आ रहा है ना, जो माने पतला पैखाना और साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, उसके कंडीशन को डिसेंट्री कहते हैं, तो डिसेंट्री में भी हेल्पफुल होता है। क्रोनिक डायरिया, किसी को लंबे समय से डायरिया है उसमें हेल्पफुल होता है। और ड्यूओडेनल अल्सर, किसी को आंत में अल्सर वगैरह, घाव वगैरह है, पाइल्स में भी हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज सूदिंग एजेंट, सूदिंग एजेंट। देखिए पाइल्स में इसका क्यों यूज करते हैं, ताकि आपके रेक्टम पर असर ना पड़े, है ना, आराम से मल पदार्थ बाहर निकले ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए। और ये सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि सुखदायक, बड़ा आराम फील कराता है, बहुत अच्छा महसूस कराता है, ठीक है। तो ये सब गुला था, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए।
मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांटागो ओवाटा, यानी प्लांटागो ओवाटा के ड्राइड सीड को हम लोग यूज करते हैं। फैमिली है प्लांटागिनेसी और इसमें 10% म्यूसिलेज पाया जाता है और एल्डोबायोनिक एसिड और पेंटोजेंस भी पाए जाते हैं। और पेंटोजेंस जब हाइड्रोलाइसिस देता है, हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो जाइलोज और अरेबिनोज देता है, जबकि एल्डोबायोनिक एसिड हाइड्रोलाइसिस करता है तो गैलेक्टोरोनिक एसिड और रेमिनोज देता है। ठीक है, समझ रहे। और इसके केमिकल थेरेप्टिक यूज के तौर पर बात करें, ये डिमल्सेंट की तरह काम करता है और लेक्सेटिव की तरह काम करता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में। डिसेंट्री में भी हेल्पफुल होता है, क्रोनिक डायरिया में भी हेल्पफुल होता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से कोई चल रहा बीमारी है ना, डियोडेनल अल्सर, आंत में घाव वगैरह हो जाता है, पाइल्स वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, लास्ट ड्रग आज के क्लास का रहने वाला है सेना। क्या सेना? तो देखिए, सेना के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो पर दबा के कमेंट किया था, इस वीडियो में भी दबा के कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ये तरीके आपके आसान बना रहा है कि नहीं, आपके स्टडी को आसान बना रहा है कि नहीं। तो एक प्यारा सा कमेंट करते हैं ना, तो मेरा मन नहीं भी करता है इस तरीके के कंटेंट बनाने को, थोड़ा होता है ना, क्योंकि इसके लिए रिसर्च मेहनत थोड़ा करना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो आप अगर करें कमेंट करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता हूं और आपके लिए लगातार पूरे सिलेबस इस सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा, इस पूरे चैप्टर को। तो आप थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एंशियंट हर्ब। क्या है ये? एक एंशियंट हर्ब है। ठीक है, काम करता है, बंदा मेहनत करता है और उसको एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। एंशियंट हर्ब दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ये एंशियंट हर्ब है, यानी प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है और बहुत तरीके के यूज के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। ध्यान रखिएगा, जो सेना है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ, सेना लीफ जो होता है ना, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। कैसिया एक्यूटोफोलिया नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड लीफलेट से ये बना होता है और इसका फैमिली है लेग्यूमिनेसी। क्या है? लेग्यूमिनेसी, और कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सिनोसाइड्स पाए जाते हैं, सिनोसाइड ए और सिनोसाइड बी पाया जाता है। और सिनोसाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, ए और बी में बस कंपैरिजन इतना है कि इसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, इसमें हाइड्रोजन अलग अलग तरफ होता है। और आपको स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं बनाना है, बस आपको दिखा दिया। इसमें सिनोसाइड ए और सिनोसाइड बी पाया जाता है। ठीक है, और सिनोसाइड ऑल्सो कंटेन फ्री क्राइजोल फिनॉल, क्राइसोफिनॉल इसमें पाए जाते हैं, इमोडिन पाए जाते हैं और कुछ ग्लाइकोसाइड्स, और उसके कुछ ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। और सिनोसाइड्स भी एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड्स ही है। म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस अपर वाला लेयर है उसमें पाया जाता है, एंड गिव रेड कलर विद रुदेनियम रेड। अगर उसको रुदेनियम रेड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रेड कलर देता है। और सेना लीफ में कुछ सिनोसाइड सी और सिनोसाइड डी भी पाया जाता है, ई भी आपका केमिकल कॉन्सेंट्रेट है। मैंने देखिए इसका मेन है सिनोसाइड्स। ठीक है, सेना में ऐसे सीना ऐसे सिनोसाइड्स। ठीक है, और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये लेक्सेटिव की तरह यूज होता है, इरिटेशन काउज करता है लार्ज इंटेस्टाइन में ना, आपका इरिटेशन काउज करता है, जिससे क्या होता है प्रॉपर बाउल मूवमेंट होता है और गैस वगैरह प्रॉपर अच्छे से पास होता है। और कैथार्टिक के तरह भी कभी कभी यूज होता है। कैथार्टिक कहने का मतलब यही हुआ कि आपका स्टूल थोड़ा वाटरी निकलेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेना। सेना को लेकर के रिवाइज करिए, ये क्या है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, और आपका इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिनोसाइड ए और सिनोसाइड बी, और इसी में कुछ क्राइजोफिनॉल एमोडीन और कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसमें सिनोसाइड सी और सिनोसाइड डी भी पाया जाता है, लेक्सेटिव की तरह यूज करते हैं और कैथार्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन काउज करता है और आपको गैस वगैरह पास कराने में कार्मिनेटिव के तौर, कार्मिनेटिव मतलब होता है गैस वगैरह फ्लेटलेंस वगैरह साथ साथ निकाला जाता है ना, मतलब सॉरी यहाँ पर लिखा है सो दे आर प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद कार्मिनेटिव्स। अगर कार्मिनेटिव दिया जा रहा है तो उसके साथ साथ ये भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका सेना कंप्लीट हो गया और आपका ये लेक्चर आज का लेक्जेटिव कंप्लीट मैंने कर दिया। इससे ज्यादा आपको लेक्जेटिव में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है। और बाकी आगे के लेक्चर्स के बारे में जानकारी है पेड क्लासेस के बारे में। तो अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएगा। फिर लाइव क्लासेस मैं डेली ले रहा हूँ, वहाँ पर लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कम से कम दो बार रिवाइज कराऊंगा। और ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट फैसिलिटी, लाइव बातचीत भी हो पाएगी आपकी। और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे। कोर्स प्राइस 1499 रुपया आपका रहने वाला है। और यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं, जैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आप सही से नोट्स वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस बुक को, जैसे देखिए फार्माकोग्नोसी है, यहाँ पर प्रॉपर सारे ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है, तो आप इस ड्रग्स की बुक को मंगा सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी, 899 में 5 सब्जेक्ट।
अगर इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉग इन कीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स, बुक वगैरह सारी चीजें यहीं पर मिल जाएगी। और किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन हो एडिशनल तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, या फिर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज वगैरह सारी चीजों को यहाँ पर समस्या समाधान हो जाएगा। सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।